नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार चीनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। चीनिया प्रखंड के रणपुरा में जनप्रतिनिधि ने नव दिवसीय रामलीला का शुभारंभ फीता काट कर किया। चीनिया प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रणपुरा में दशहरा पर्व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो जाने के बाद बाहर से बुलाए गए कलाकारों के द्वारा 9 दिवसीय भव्य रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शुक्रवार की देर शाम पंचायत के कई गणमान्य लोगों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा रामलीला का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। मौके पर मौजूद झामुमो पंचायत अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने बताया कि हमारे गांव में दशहरा पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाने के बाद पूजा कमेटी व पूरे गांव के सहयोग से भव्य रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो यह रामलीला कार्यक्रम 9 दिनों तक चलेगा। वहीं उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें रामचरितमानस के पात्र और चरित्र को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। भगवान राम आज्ञाकारी बेटे, माँ सीता पवित्रता पत्नी, भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न, भरत एक आज्ञाकारी भाई होने का संदेश देते हैं। तत्पश्चात हमें उनके जीवन को अपने अंदर आत्मसात करना होगा। वही पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सुगनी देवी ने भी भगवान श्री राम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लोगों को संबोधित किया। फीता काटकर उद्घाटन के बाद 7 बजे बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा रामलीला कार्यक्रम का मंचन शुरू किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर रामलीला कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और अपने जीवन में भगवान श्री राम के बताए गए मार्गों पर चलने की प्रेरणा ली। इस मौके पर पंचायत अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह, पंचायत समिति सदस्य सुगनी देवी, दयानंद राम, मधुसूदन सिंह राम, रमेश प्रसाद सहित हजारों की संख्या में दर्शक मौके पर मौजूद थे। जय श्री राम।